various approach to curriculum development. पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से अप्रोच का पाठ्यक्रम विकास के, इसमें एक बात मुख्य रूप से ध्यान रखना हमको यह है कि दो शब्द है, एक है करिकुलम और एक है सिलेबस। सामान्यतः दोनों का अर्थ लोग पाठ्यक्रम से ही लगाते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। करिकुलम का अर्थ व्यापक है और सिलेबस का अर्थ संकुचित है। सरल शब्द में से समझे कि करिकुलम का व्यापक अर्थ है, उसका दायरा विस्तृत होता है, और सिलेबस का दायरा संकुचित होता है। तो वेरियस अप्रोच में मुख्य रूप से यह छह अप्रोच है जिसके माध्यम से कि स्कूली शिक्षा का पाठ्यक्रम का विकास होता है, जिसमें सबसे पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच। यह ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? ट्रेडिशनल अप्रोच को शिक्षाविदों ने दो भागों में विभाजित किया है, एक है सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम और दूसरा है ट्रेडिशनल करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का मतलब हुआ कि जिस विषय का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसका दायरा, उसकी परिधि सिर्फ उसी विषय पर आधारित रहेगा। और दूसरा है ट्रेडिशनल करिकुलम। ट्रेडिशनल करिकुलम का मतलब हुआ कि पारंपरिक पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा मुख्य रूप से और ये धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इससे संबंधित जिस पाठ्यक्रम में बातें रहेगी वो हो जाएगा ट्रेडिशनल करिकुलम। नेक्स्ट है एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच। एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच का मतलब है कि छात्र जिस परिवेश में रहते हैं उसका आबोहवा, उसका पर्यावरण, उसका जलवायु आदि आदि बातों पर निर्भर करता है एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच। इस अप्रोच के माध्यम से जो पाठ्यक्रम का विकास होगा वह कहलाएगा पर्यावरण अप्रोच। नेक्स्ट का बिहेवियरलिस्ट अप्रोच। बिहेवियरलिस्ट अप्रोच का मतलब हुआ कि छात्र शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं, परीक्षा में लिख करके पास कर जाते हैं, अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके जीवन में उसका वह उपयोग नहीं कर पाता है। इसीलिए इस बात पर बल दिया गया है कि पाठ्यक्रम के विकास में व्यवहार को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाए ताकि बालक शिक्षा प्राप्ति के बाद अपने जीवन में व्यवहार कुशल बन सके। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को हम शिक्षा तो दे देते हैं, बच्चे परीक्षा में लेकर के अच्छे अंक हासिल कर लेते हैं, लेकिन बच्चे में कॉम्पिटेंसी नहीं आ पाती है। अब वह कॉम्पिटेंसी का मतलब है MLL। ये MLL क्या हुआ? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। NCERT ने 1977 में 76 में काफी विचार विमर्श करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि पाठ्यक्रम में MLL पर ध्यान दिया जाए, और ये MLL लागू होगा खास करके स्कूली शिक्षा में क्लास 1, 2, 3, 4 अप टू 6 तक। और इसका मतलब है कि क्वालिटी प्लस इक्विटी। अगर पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चे में MLL की जानकारी होती है तो यह देखना कि बच्चे में क्वालिटी और इक्विटी क्या है। क्वालिटी का मतलब तो गुण से है और इक्विटी का मतलब यहाँ समता से। समता का तात्पर्य यह हुआ कि बिना किसी भेदभाव का, जाति, रूप, रंग, समुदाय आदि बिना किसी भेदभाव का समान रूप से सभी बच्चों को पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा दी जाए। और क्वालिटी को भी डिफाइन किया गया है। क्वालिटी क्या है? कॉम्पिटेंसी प्लस मास्टरी। ये कॉम्पिटेंसी का तात्पर्य यहाँ है पारंगतता से। बच्चे पाठ्यक्रम के माध्यम से सीख जाते हैं, परीक्षा में लिख रहे हैं, लेकिन बच्चे में कॉम्पिटेंसी नहीं आ रही है तत्संबंधित विषय में। तो कॉम्पिटेंसी अगर नहीं आती है तो क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि क्वालिटी के लिए दो तत्व जरूरी है। इसीलिए कुल मिलाकर के MLL का निष्कर्ष आया कॉम्पिटेंसी होना चाहिए बच्चे में, मास्टरी होना चाहिए और इक्विटी होना चाहिए। ये तीनों तत्व है, इसका मतलब है कि बच्चे में MLL है। और अगर ये तीनों गुण नहीं है तो MLL का कोई अर्थ नहीं है। बच्चे क्लास 6 में चले आते हैं वो ना बढ़िया से पढ़ पाते हैं, ना लिख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। इसलिए MLL पर NCERT ने बल दिया है। नेक्स्ट का लर्नर
बच्चों के लिए रुचिकर, क्योंकि बालक शिक्षा के लिए है न कि शिक्षा बालक के लिए। और इसका विकास एक्चुअली जॉन डीवी ने अपने लेबोरेटरी स्कूल में किया था कि उसमें सीखने वाले पर इस बात का ध्यान हो कि हम जो पाठ्यक्रम में समाहित कर रहे हैं वस्तु विषय, वह उस कक्षा में पढ़ने वाले बालकों की उम्र, उसकी रुचि, उसका स्वभाव आदि का ख्याल रखा गया है या नहीं। अगर पाठ्यक्रम बना दिया गया और लर्नर उसे एडाप्ट नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं रहा है, तो फिर वह पाठ्यक्रम का विकास का कोई अर्थ नहीं है। और नेक्स्ट और लास्ट का कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में एनसीईआरटी ने तैयार किया, और इसमें यह निर्णय आया कि अगर पाठ्यक्रम का विकास होता है और बालक में कंस्ट्रक्टिविटी नहीं आती है, संरचनात्मक स्थिति नहीं आती है, बालक कंस्ट्रक्टिव नहीं बन पाते हैं, तो पाठ्यक्रम का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए कुल मिलाकर के हम कहा जाए कि वेरियस अप्रोच करिकुलम डेवलपमेंट के अंतर्गत ये छह बिंदु पर ध्यान दिया जाएगा, तभी पाठ्यक्रम का समुचित विकास संभव हो सके।